हेलो गाइस वेलकम टू इंडो नेपाल किचन आज हम बनाने जा रहे हलवा ये हलवा जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं ना हमें प्रसाद जो मिलता है सेम वैसे ही बनेगा और मैंने एक कटोरी चीनी लिया है अब मैंने एक बर्तन में डाल लिया अब मैं उसी कटोरी से तीन कटोरी पानी डालूंगी अब हम गैस पे रखेंगे हाई फ्लेम ही रखेंगे जब तक इसमें उबाला आए ना तो अब मैंने एक कढ़ाई लिया है तो उसी कटोरी से एक कटोरी गेहूं के आटा लिया है मैंने अब मैं पौने कटोरी इसमें शुद्ध देसी घी डालूंगी तो इस तरह से डाल के इसको हम भुनेंगे हिलाएंगे अब ठंड इतनी ज़्यादा है तो घी इसीलिए जमा हुआ है अगर ये मेल्ट हुआ घी हो तो पौने कोली ज़्यादा दिखेगा जमा हुआ है इसीलिए देखने में कम लग रहा है लेकिन पौने कोली यही है तो ये बुनते बुनते हमें एक से डेढ़ मिनट हो गया है अभी इसको हम इसी तरह से बुनेंगे तो धीमी धीमी खुशबू आने लगी है तो इस तरह से अभी हमने भून लिया है तीन से चार मिनट हो गया हमें भूनते हुए कलर देखिए कितना सुनहरा आ रहा है तो अभी इस तरह से हम भून रहे हैं अब इसमें उधर पानी मेरा उबाला आ गया है तो एक ढक्कन लेंगे और गैस के फ्लेम स्लो करके इसमें मैं पानी डाल रही हूँ आराम आराम से तो छीटे एकदम ज़्यादा पड़ जाता है तो हमें ढक के पानी डालना ज़रूरी है तो देखिए कितनी ज़्यादा उबल रहा है तो अभी थोड़ी देर तक इस तरह ही हम हिलाएँगे तो पहले से उबाला कम हो गया है तो इस तरह से अभी मैं हिला रही हूँ अब छिट्टे एकदम पड़ने शुरू हो गया है तो अब इसमें हम इस तरह से एक आधा बारी हिलाने के बाद में अब मैं ऊपर से ढक्कन दूंगी अब ये छिट्टे से हमें पैर में भी आ जाता है तो इस तरह से के करने से नीचे छीटे नहीं आएगा तो सारे स्लैब पे गंदी नहीं होगी तो इस तरह से अभी हमने ढक के हिला लिया है अब काफ़ी हद तक पानी सूख गया है अब हम ढक्कन हटा सकते हैं तो इस तरह से अभी मैं इसको हिलाऊंगी अभी इसको हम एक सेकेंड भी हाथ नहीं छोड़ेंगे इस तरह हिला हिला के इसको बनाएंगे तो अभी मुझे एक मिनट जितना हो गया पानी डालने के बाद में अभी मैं हिला रही हूँ तो देखिए जैसे अभी हमारे कढ़ाई से है ना साइड में चिपक नहीं रहा हलवा एकदम इकट्ठा हो रहा है तो इस तरह से इकट्ठा होने से हमें पता चलता है कि हमारे हलवा सही बन रहा है तो अभी मैं थोड़ा सा पानी लग रहा है हिला रहे अब बिल्कुल हमारे हलवा देखिए बन गया है अब इस तरह से आप भी बना के देखिए बहुत मज़ा आएगा तो मेरी एकदम सिंपल सी रेसिपी है पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा थैंक यू सो मच